यह कहानी है असम के मोरी गांव के रहने वाले 27 साल के बिटुपन तमुली और चापरमुख के कोसुआ गांव की 24 साल की प्रार्थना बोरा की। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, दोनों जल्द ही शादी करने वाले थे, लेकिन इसी बीच प्रार्थना बीमार पड़ गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान 18 नवंबर को प्रार्थना की मौत हो गई। प्रार्थना की मौत के बाद बिटुपन उसके घर पहुंचा और फिर जो हुआ वह सच्चे प्यार की एक मिसाल बन गया। प्रेमी बिटुपन ने प्रेमिका प्रार्थना के शव के साथ शादी रचाई। बाकायदा उसने शव के माथे पर सिंदूर लगाया, उसे सफ़ेद माला पहनाई और उसकी तरफ से भी एक माला अपने गले में डाल ली। इसके बाद झुक कर अपनी प्रेमिका के माथे को चूम लिया। हालांकि जब बिटुपन ने प्रार्थना के शव के साथ शादी करने की बात कही तो परिवार ने ऐसा करने से मना कर दिया। इस पर बिटुपन ने कहा कि यह प्रार्थना की आखिरी इच्छा थी कि वह दुल्हन बने। उसकी जिद के आगे आखिर परिवार ने हार मान ली और फिर प्रार्थना की अंतिम विदाई से पहले बिटुपन ने पूरे विधि विधान के साथ उससे शादी रचाई। प्रेमिका की मौत के बाद भी उसका साथ न छोड़ने वाले प्रेमी ने शव के साथ शादी ही नहीं रचाई बल्कि यह कसम भी खाई कि वह जिंदगी भर किसी और से शादी नहीं करेगा। शादी के बाद प्रार्थना को अंतिम विदाई देते समय बिटुपन फूट फूट कर रोता रहा। इस अनोखी शादी ने देखने वालों को भावुक कर दिया। शादी का वीडियो भी इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।